देखो खेसारी मेरे भाई जैसा है और बिग बॉस में जाने से पहले काफ़ी वही होता है ना कि देखो आप कितना भी कह लो, जैसे मैं कितना भी एक्सपीरियंस अपना बता लूँ, लेकिन खेसारी जो अंदर जाके करेगा वो उसका अपना है। तो एक हफ्ते तक जब वो दिखा नहीं था, लिटरली दो हफ्ते तक हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे बाहर कि भाई क्या होगा, ये निकलने वाला है, ऐसा लग रहा था। लेकिन वो सेफ हो गया इस बार तो, लेकिन दोबारा नॉमिनेट हो गया। तो एक डर जरूर है कि खेसारी का दिखना बहुत ज़रूरी है, और अब वो थोड़ा थोड़ा उसका एक एंटरटेनिंग साइड जो उसकी है भी, लड़ने वाला वो नहीं है। मैं आपको बता दूं खेसारी लड़ने वालों में से तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने वालों से भी नहीं है, लेकिन एंटरटेनिंग है। तो एक साइड उसकी वही निकल के आएगी तो भी बहुत बढ़िया है। खेसारी अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है हंसी मजाक, जैसे कल के एपिसोड में बहुत ज़्यादा हुआ उसके साथ, उसकी दाढ़ी वाड़ी मूछ मूछ कटा दी, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है उसको देखकर। मतलब घर की लड़कियां उसको छेड़ रही हैं, फ्लैट तो नहीं बोल सकते, छेड़ रही हैं, मज़ा आ रहा है, क्योंकि खेसारी भी अपने आप को थोड़ा बहुत उसको समझ में आ रहा है गेम की प्रेजेंट करना ज़रूरी है। इफ़ नॉट गेम उसको गेम नहीं खेलना, तो भी अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, अपने को दिखाना बहुत ज़रूरी है पब्लिकली। तो धीरे धीरे आई होप लोग, यूपी बिहार की जनता जितना खेसारी को प्यार करती है, उतना नॉर्मल लोग भी उसको प्यार करने के लिए खेसारी का उतना दिखना और उतना करना बहुत ज़रूरी है। खेसारी जिस तरह से अब खेलना शुरू हुआ है, खेल तो नहीं कहेंगे लेकिन जो भी कर रहा है वैसे ही बस अब वो करता रहे। खेल को खेल की तरह खेलोगे, पॉलिटिक्स करोगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी जो एंटरटेनिंग साइड है ना, मैं चाहती हूँ खेसारी और दिखाए लोगों को। तो जैसे कल के एपिसोड में बहुत मज़ा आया, उसकी दाढ़ी वाड़ी कटवा दी, सब लोग उसको छेड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं अरे मेरी बीवी ऐसा करेगी। तो क्योंकि खेसारी की जो वाइफ है काफ़ी इंट्रोवर्ट है, खेसारी खुद बहुत गाँव का है, तो उसकी जैसे सोच है और उसका जो जैसे दिमाग चलता है, पॉलिटिक्स वाला दिमाग नहीं चल रहा है उसका। तो मैं चाहती हूँ कि उसकी जो एंटरटेनिंग साइड जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे बिग बॉस के घर के बाहर जिसने मुझसे बातें करके गया था, लेने का था, अंदर जाके चीज़ें खेसारी काफ़ी चेंज होती हैं, और वो अब ये बात को याद कर रहा होगा कि संभावना ने ये बात बोली थी कि अंदर जाके चीज़ें चेंज होती हैं, और वो जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा ना, तो उसको डेफिनेटली एक ही मिनट लेकिन बिग बॉस में मेरी याद तो आती होगी। तो खेसारी को मेरी यही सलाह है कि कुछ भी करो लेकिन दिखो, जनता तुम्हें देखना चाहती है, जनता People want to know more about Khesari and they want to see more of Khesari. मैं ये आपको पहले से बता रही हूँ कि खेसारी, अगर आप ये सोच रहे हो कि वोट के माध्यम से खेसारी को निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खेसारी की वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। वो लोगों को नहीं पता, वो हमें पता है, बिकॉज कहीं ना कहीं यूपी बिहार से कनेक्टेड हूँ मैं, वो वहाँ इतना काम कर चुकी, तो मुझे पता है कि उसका जो वोट बैंक है वो बहुत स्ट्रांग है वहाँ का। तो खेसारी का निकलना इतना भी आसान मत समझो आप। अगर आसिम के सामने, अपना अरहान के सामने वो निकल गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। अगर अरहान के सामने वो टिक गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरहान मेरे हिसाब से निकलना नहीं चाहिए था इस हफ्ते। मतलब बहुत लोग और हम लोग भी ये सोच के बैठे थे कि शायद खेसारी एक मतलब वीक में आ रहा है, तो क्या मालूम क्या हो जाए, लेकिन खेसारी वोट्स के आधार पर रह गया है। अरहान जो जिससे बहुत उम्मीद थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ा अच्छा सा लड़का निकल के आया है, और बहुत जितना आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि रश्मि और उसका अफेयर है, वो दिखा देना चाहिए था उसको, वो जो नहीं दिखा पाया ना, आई गेस ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उसको बिग बॉस से बाहर करने का, कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, जो जिस बात से उसको अंदर लेके गए थे कि अरहान गया है और जाकर रश्मि को प्रपोज करेगा, या उनकी लव अफेयर और भी चीज़ें निकल के आएंगी, वो नहीं निकल के आई। इनफैक्ट थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया कि अरहान भी शांत हो गया और रश्मि भी शांत हो गई, और बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। तो अब जैसे मैं देख रही हूँ अरहान बाहर आके इंटरव्यूज दे रहा है कि मैं रश्मि को प्रपोज करना चाहता हूँ, हाउ आई विश कि बॉस की बात अंदर आपने कर दी होती, इतना टाइम नहीं था आपके पास, जितना टाइम था उतने में कर देना चाहिए था। क्या सोच के उसने नहीं किया मुझे पता नहीं। मैंने कहा ना कि हाँ, जैसे अरहान भी नहीं दिख रहा था ज़्यादा, तो रश्मि भी नहीं दिख रही थी, क्या रीज़न है हमें नहीं पता, लेकिन एक रीज़न ये भी है, देखो किसी की हेल्थ भी एक बहुत बड़ा रीज़न होती है। वो सुनने में आ रहा था कि रश्मि की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये हो एक रीज़न हो सकता है कि वो नहीं दिख रही हो, लेकिन अरहान के जाने से डेफिनेटली वो ज़्यादा अब दिखेगी, लड़ाइयाँ खुल के और सामने आएंगी। रश्मि का कैरेक्टर थोड़ा सा दब तो डेफिनेटली गया था, तो अरहान को और वो उभार देना चाहिए था। तो रादर अगर बिग बॉस वालों को ये लग रहा है कि इसके आने से रश्मि भी नहीं दिख रही है, तो फिर उसको निकालने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है। देखना चाहूँगी, देखो अभी बहुत अर्ली है कि हम लोग टॉप फाइव में किस किस को देखना चाहेंगे, क्योंकि टॉप फाइव के लिए बहुत चीज़ें अभी चेंज होने वाली हैं। मैं तो विशाल को भी टॉप फाइव में देखती हूँ, विशाल हो गया, सिद्धार्थ हो गया, आसिम हो गया,
शहनाज हो गई, रश्मि हो गई, बट देन फिर आप साथ में बोलो ना, कहाँ देवोलीना क्या स्ट्रांग नहीं है, या फिर शेफाली भी स्ट्रांग है, अच्छी निकल के आ रही है, या फिर खेसारी अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, कौन अभी नहीं है, मेरे को लगता है भाव को कैसे आप बोल सकते हो। तो अभी टॉप फाइव के लिए जंग बहुत लंबी है, अभी और एक महीने के बाद हम लोगों को ये बात करनी चाहिए कि टॉप फाइव में आने लायक कौन है। मैं अभी ये चीज़ नहीं बोलूँगी, तो विनर मतलब हो गया कि मेरा फेवरेट कौन है। मेरा फेवरेट इस समय कोई भी नहीं है, मेरे को अफेक्शन है खेसारी से, लेकिन फेवरेट की बात करूँगी तो अभी बहुत टाइम है फेवरेट बताने के लिए। आई कांट से, मेरे को गेम वाइज सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छा लगता है, विशाल बहुत अच्छा लगता है, भाव बहुत अच्छा लगता है, शहनाज बहुत अच्छी लगती है, तो मैं एक फेवरेट नहीं बता सकती हूँ अभी, मुझे सब अच्छे लग रहे हैं। तो जिसकी जो होता है मैं बोलती रहती हूँ कि मुझे ये इसका ये करना अच्छा लगा या इसका ये करना बुरा लगा है। फेवरेट अभी तक मेरा कोई नहीं है।